मंगलवार को महिला विधायकों के साथ बदसलूकी पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा कि विधानसभा में महिला विधायकों का चीरहरण होता रहा और सीएम नीतीश धृतराष्ट्र बनकर देखते रहे। बुधवार को बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही से पूर्व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कांग्रेस विधायकों के साथ आंखों में काली पट्टी लगाकर सदन के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को सदन में विपक्ष के विधायकों पर हुए हमले का विरोध करते हुए कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों को सदन से बाहर फेंका गया वह बहुत निंदनीय है। सरकार का विरोध करना उनका संवैधानिक हक है और वे आगे भी ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने बिहार विशेष पुलिस सशस्त्र बल पुलिस सशस्त्र बिल का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। ना हुई सदन के अंदर हम लोग अब आंख दिखाने के लायक भी जन प्रतिनिधि जो है वो नहीं रहे, इसलिए हम लोग ने आंख पर पट्टी बांध लिया है और अपनी मांग को रखने आए हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपने को असहाय महसूस करते हैं सदन और सदन के बाहर और अपने डिप्रेशन में उन्होंने जिस तरह विधायक को घसीट घसीट के पिटवाया, यह हम समझते हैं देश के इतिहास में पहली घटना थी। इसलिए मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से विधायकों से माफी मांगना चाहिए और सारे विधायक चाहे वो किसी दल के हों। मंगलवार को सदन में हुए विधायकों के साथ हुई अभद्रता को लेकर सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों से हमारे रिपोर्टर राजीव कमल ने बात की। विधायकों के साथ मारपीट, उनका कहना है कि मारपीट की गई, उसको लेकर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के हमारे साथ विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका? जिस प्रकार से कल लोकतंत्र के इस मंदिर में घुसकर पुलिस के द्वारा विधायकों की बर्बर पिटाई की गई है, इस बिल का अगर विरोध हो रहा था तो सरकार को यह चाहिए था कि विपक्ष को बुलाकर उनसे मंत्रणा करना चाहिए था, तो पुलिसिया दमन करके विपक्ष के विधायकों को बाहर निकाल के और इस बिल को पास कराया गया। अगर बिल में सब कुछ अच्छा था तो आपने कार्य मंत्रणा क्यों नहीं किया? करना चाहिए था आपको। आप पुलिस के बल पर आप प्रशासन चलाना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं, हम विपक्ष के लोग ये नहीं होने देंगे। ये आंख पे पट्टी बांधी है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने, नीतीश सरकार ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है कि जनता के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये काली पट्टी बांधी है कि उनको कुछ नजर नहीं आता आ रहा है। सत्ता के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि उनके आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको। पहले चर्चा करनी चाहिए थी, बिल्कुल एकदम चर्चा करनी चाहिए थी। आपने पहले मामला गड़बड़ाने दिया, उसके बाद फिर आप पुलिस के बल पर आपने सब लोगों को बाहर किया, कितने विधायकों को पीटा, कितनों को चोट लगी, कितने आज बेड पर है जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी से, और तब आपने ये पास कराया। आज लास्ट दिन है, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने अपना विरोध जारी रखा है और विरोध जारी रखेगी। आगे क्या करेंगे? आगे अभी विरोध कर रहे हैं हम लोग, विरोध कर रहे हैं हम लोग, और आगे इसको सड़क से लेकर सदन से लेकर सड़क तक ले जाने का कार्य करेंगे। कल हमारा धरना है पूरे प्रदेश में कांग्रेस का। तो आपने सुना कि कांग्रेस विधायक का कहना है कि सड़क से लेकर संसद तक हम इसका विरोध करेंगे और इसके जितने भी हम घोर निंदा करेंगे। जिस तरीके से कल विधायकों को मारा गया, पीटा गया और उनको बाहर फेंका गया, उसको लेकर काफ़ी रोष है कांग्रेस विधायकों में। आप मदन मोहन झा भी देख सकते हैं कि काली पट्टी बने हुए हैं, और आपको अजीत शर्मा भी आप देख सकते हैं कि, और जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनमें यहाँ वो काली पट्टी बांध के वहाँ हैं और पुलिस के अत्याचार को लेकर वो बार बार नारे लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस का जिस तरीके से कल उपयोग किया गया और जिस तरीके से बिल विधानसभा में पास कराया बलपूर्वक, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। पटना से अमित के साथ मैं राजीव कमल। और बिहार विधानसभा की कार्यवाही के आखिरी दिन भाकपा माले ने सदन के बाहर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों से हमारे रिपोर्टर उत्कर्ष ने बात की। विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से विधायकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कई महिला विधायकों को चोट भी लगी है। आइए जानते हैं माले के विधायक। बूटों के तले लोकतंत्र को रौंदा गया, नंगा किया गया, ये बहुत ही दुखद है।
यहाँ विपक्ष की बातें नहीं सुनी जा रही है। विपक्ष एक मजबूत ताकत के साथ इसके बावजूद उसको कुचल करके किसी तरीके का कोई भी विधेयक पास करा लेने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम लोग तो एक ही बात कह रहे थे कि डिबेट कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। हम कह रहे थे कि ये जो विधेयक है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, इस विधेयक को आप जनमत जनता के लिए भेज दीजिए, प्रवर समिति में भेज दीजिए। इतनी बात नहीं सुनी गई। दिन भर हम लोग बोलते रहे करते रहे, अंततः रात में मार्शल के माध्यम से बीएमपी को मिलिट्री को बुला करके हमें बाहर फेंकवा दिया गया और तब जाकर सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों की उपस्थिति में विधेयक पास किया गया। बिल्कुल तरीके से विधेयक को पास करने की पूरी प्रक्रिया गैर लोकतांत्रिक है और गलत तरीके से पास किया गया। इसके खिलाफ आज हाउस भले खत्म हो जाए, हम बिहार की जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने हमें वोट दिया है और जनता ने इनको भी मैंडेट दिया है। साफ तौर पर आरजेडी के जो विधायक हैं उनका कहना है कि आगे 5 साल तक हम विधानसभा में नहीं आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे, इस पे आपको क्या कहना है? बिल्कुल ऐसा अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, जहाँ हम जाएंगे और जो विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है लोकतंत्र को रौंदने की, उस पर बातचीत हम करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भाकपा माले के विधायक हैं अजीत कुशवाहा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल जिस तरीके से विधानसभा में जो विधायक हैं उनके साथ धक्का धुक्की की गई, उन्हें मारा गया मार्शल द्वारा, और जो बीएमपी के जवान हैं उनके द्वारा उन्हें विधायकों को बाहर फेंकवा दिया गया, वो आज के दिन वह काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष निश। पुलिस विधेयक को लेकर जारी हंगामे के बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बयान दिया है। नीरज कुमार ने विपक्ष को विधेयक पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि तेजस्वी बताएं कि उन्हें बिल में शामिल कौन सी सीआरपीसी धारा से दिक्कत है। धारा का मूल सवाल है कि सशस्त्र पुलिस विधेयक से आपत्ति किस बात की, उसी के चलते परिस्थिति पैदा हुई ना। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सीआरपीसी के किस धारा का, जो देश की जनता का मौलिक अधिकार है, उसका कहां उल्लंघन हो रहा है। और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने कल विपक्ष के नेता के रूप में आप साथियों से बात करते हुए कहा कि पुलिस को जब अधिकार है तो क्यों ये बिल लाने की क्या जरूरत है, यही सवाल था ना कि किसी को आप सीआरपीसी का हवाला दे रहे थे। मैं